हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक फंक्शन। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन आपने पहले भी सुन रखा होगा। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर सोशल गैदरिंग फंक्शन। ये उससे थोड़ा सा अलग है। और अलग किस मायने में है, तो फंक्शन इस तरीके का है कि फंक्शन के लिए एक सेट हो, एक सेट से दूसरे सेट में कुछ वैल्यूज़ का एक्सचेंज हो, कुछ वैल्यूज़ का इससे इसमें रिलेशन हो। तो जब बात आ गई है रिलेशन की, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कोई फंक्शन है। फंक्शन मान लीजिए ए से बी में फंक्शन है, तो फंक्शन फ्रॉम इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे बी। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। ये एक स्पेशल रिलेशन है। तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, लिख दो फंक्शन फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ स्पेशल रिलेशन। एक विशेष प्रकार का रिलेशन है। आप चिंता नहीं करो किस टाइप का रिलेशन है, मैं आपको बताऊंगा। इन विच, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ ए हैव यूनिक इमेज ऑफ यूनिक इमेज इन बी, जिसमें ए के एलिमेंट्स की बी में यूनिक इमेज होती है, उसको फंक्शन कहते हैं। तो ये ऐसा रिलेशन है। तो आपने अगर रिलेशन नहीं देखा हो तो आप पिछला वीडियो मेरा रिलेशन का देखेंगे तो रिलेशन आपको क्लियर होगा। हमारा टारगेट है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2.3 को टारगेट करना। तो हम 2.3 करेंगे, डोमेन रेंज भी समझेंगे, फिर जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस के और क्वेश्चंस करेंगे। तो ये फंक्शन को हमने दो वीडियोस में डिवाइड करने की कोशिश की है ताकि आपको बराबर से ये फंक्शन का कंसेप्ट अब्सॉर्ब हो जाए, आप समझ पाएँ। तो फंक्शन में एक रूल है। फंक्शन बेसिकली इट इज़ अ रूल, जिसे हम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कह रहे हैं। तो ये भी रिलेशन भी एक रूल है फंक्शन, और एक स्पेसिफिक रूल है। कैसा रूल है? जिसमें एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के एलिमेंट्स की बी के एलिमेंट्स में। तो अब ए में कुछ एलिमेंट्स लिखे नहीं हैं, तो हम लिख सकते हैं, आप हम अपने मन से लिख दें समझने के लिए। फिर हम इसमें ये करने के बाद, आप जब थ्योरी अच्छे से समझ जाएंगे, आप जब बेसिक से एडवांस लेवल तक समझ जाएंगे, तब फिर हम एक्सरसाइज को उठा लेंगे, एक्सरसाइज हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये ए है, इसमें इसका एसोसिएशन आप वन से रख दें। ए का एसोसिएशन वन से, ए का एसोसिएशन टू से भी हो सकता है। आपने रिलेशन में देखा है कि एक एलिमेंट कई एलिमेंट्स से एसोसिएट हो सकता है। बी का एसोसिएशन किससे कर दें? थ्री से कर दें। सी का और किसी से कर दें, इनसे कर दें, या कोई नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दें। मान लीजिए नया इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने जीरो, और लिखने का तरीका जीरो को कहाँ है, तो जीरो बीच में डाल दें, आखिरी में डाल दें, एक्सट्रीम पे डाल दें, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सेट में आपने देखा होगा एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में रहते हैं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक बात है कि इसके अंदर एक एलिमेंट कोई खाली भी पड़ा है तो चलेगा क्या? यस, इसमें कोई खाली है तो चलेगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं। इसमें से कोई खाली होना चाहिए क्या? नहीं, इसमें से कोई खाली नहीं होना चाहिए, फिर समझें। अब आप एक काम करो, इसमें ये कहा है, आप इस डेफिनेशन पे सबको भूल जाएं आप। इन विच एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन बी, ए के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए। तो ये वाला जो सेट है, इस सेट को कहते हैं सेट ऑफ प्री इमेज, इसको कहेंगे प्री इमेज सेट। और इस वाले सेट को कहते हैं इमेज का सेट। तो इसमें ए के एलिमेंट्स की, आप देखो ए के एलिमेंट्स की कितनी इमेज है,
तो एक एलिमेंट्स की दो इमेज है, एक एलिमेंट्स की कौन सी इमेज है, वन भी है, और एक एलिमेंट्स की दो इमेज है, तो ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे जो रूल है इसको इसमें ले जाने का, वो रिलेशन में हम आर लिखते हैं, एस लिखते हैं, टी लिखते हैं, यहाँ एफ फंक्शन एफ से स्टार्ट होता है तो हमने एफ ले लिया, बाकी आप एफ भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, आप देखोगे अभी क्वेश्चन होगा तो उसमें एफ की जगह टी लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, एस लिखा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एफ क्या है, इज दिस अ फंक्शन, तो फिर एफ इज नॉट अ फंक्शन, एफ इज नॉट अ फंक्शन, एफ एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है एफ एक फंक्शन, क्योंकि वन की ए की कितनी इमेज है, दो इमेज है, बिकॉज ए इज हैविंग टू इमेजेस, टू इमेजेस किसमें, टू इमेजेस उसकी बी में, तो ए ऑफ दिस इज हैविंग टू इमेजेस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसके इसकी दो प्री इमेज हो सकती है, हाँ इसकी हो सकती हैं, इसकी दो हो सकती हैं, पर इसकी दो नहीं हो सकती। तो इसका एक और अच्छा तरीका है हमारे पास, मैं आपको ये वेन डायग्राम फिर से बनाऊंगा और चीज़ें समझाऊंगा। तो हम अपने क्वेश्चन वन का एक एग्जांपल ले लें और क्वेश्चन वन से एक एग्जांपल उठा लेंगे तो आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन वन में एक क्वेश्चन वन में अपने को आइडेंटिफाई करना है फंक्शंस, आइडेंटिफाई फंक्शंस आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं अभी डेफिनेशन रब नहीं कर रहा क्योंकि मैं डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में ही आपको समझाऊंगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1, ये एक दिया है, ऐसे तीन दिए हुए हैं। तो हम पहले को पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जब तीनों को आप एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा कंपेरेटिव हो जाएगा और उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। तो दूसरा केस है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5 12, 6, 14, 7 ये दूसरा है, और एक आखिरी और है, बस आखिरी में ज्यादा एलिमेंट्स नहीं, लास्ट है 1, 3, 1, 5, 2, 5 तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, इसको समझना बिल्कुल आसान है, आप ज़रा भी फिक्र नहीं करें, साथ बने रहें। तो इसके लिए आप क्या करें कि वेन डायग्राम बना दें, इसमें आप एक बात याद रखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन बी, ए के एलिमेंट्स की बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। ये मैं अब रब कर देता हूँ क्योंकि आप देख रहे हो कि जगह की अभाव है, वैसे मैं चाह नहीं रहा था कि इसको हटाऊँ, पर आप याद रखना कि ए के एलिमेंट्स की बी में यूनिक इमेज हो, ए के एलिमेंट्स से बी में एक से ज़्यादा ब्रांच ना जाए। तो ये जैसे पहला सवाल है, आप इसका वेन बना लो तो आपको और क्लियर होगा। इसमें लिखा है 2, 5, 8 इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 तो ये एक फंक्शन होगा। ये क्यों एक फंक्शन होगा, क्योंकि इसकी 2 की कितनी इमेज है, एक ही इमेज है, 5 की कितनी है, एक इमेज है, ओनली 1, और 8 इज हैविंग इट्स यूनिक इमेज, एक ही इमेज है, ठीक है, और फॉर्चुनेटली नंबर भी 1 है,
यहाँ पे वन की जगह फोर भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। अब सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड वाले का जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो सेकंड वाले में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, टू फोर सिक्स एट, छोटा पड़ेगा ये, बड़ा बना देते हैं, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व, और ट्वेल्व के बाद कौन सा है, फोर्टीन है, ये फोर्टीन बना दिया। अब आप ध्यान से देख लें, टू का कनेक्शन किससे है, टू का कनेक्शन है वन से, फोर का कनेक्शन किससे है, यहाँ पर टू से है, सिक्स का कनेक्शन किससे है, थ्री से है, एट का कनेक्शन किससे है, फोर से है, टेन का कनेक्शन किससे है, फाइव से है, ट्वेल्व का कनेक्शन किससे है, सिक्स से, मान लीजिए जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिक्स, ट्वेल्व का कनेक्शन किससे है, सिक्स से कनेक्शन है, फोर्टीन का कनेक्शन किससे है, सेवन से, सेवन के लिए जगह नहीं यहाँ लिख दिया, फोर्टीन का कनेक्शन सेवन से। तो सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है, सबकी अलग अलग है, कोई भी एलिमेंट यहाँ से देखे दो ब्रांच नहीं निकली, यहाँ से एक निकली, एक निकली, एक निकली, एक 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 और ये भी एक, तो ये कैसा फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है। तो तीसरा केस, अब तीसरा केस तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वन है, वन है, वन की इमेज है थ्री और वन की इमेज कितनी है, फाइव भी है, तो वन की देखिए दो ब्रांच निकल गई, तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, फंक्शन का एब्रीविएशन एफ एन, ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ये है क्या फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, तो ये एक फंक्शन है, और जो फंक्शन नहीं है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपके पास है फंक्शन में एक नियम है, फंक्शन में एक प्रोटोकॉल है, तो कई बार आपको फंक्शन का प्रोटोकॉल दिया हुआ होता है, तो जैसे इसका क्वेश्चन नंबर मैं आपको थ्री पहले बता देता हूँ, टू से पहले मैं टू भी बताऊँगा आपको, टू बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टू समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा थ्री समझ लें आप पहले। तो फंक्शन में कई बार प्रोटोकॉल दिया रहता है, तो थर्ड वाले में आपको प्रोटोकॉल इस तरह से दिया है, थर्ड में आपको दिया है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, टू एक्स माइनस फाइव, और बोलते हैं कि आप ये वैल्यूज फाइंड कर लो, एफ ऑफ ज़ीरो निकाल सकते हो क्या, एफ ऑफ सेवन निकाल सकते हो, एफ ऑफ माइनस थ्री निकाल सकते हो, तो एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, क्या कर देंगे हम, एक्स की जगह डाल देंगे ये इसमें डाल दी और ये वैल्यू इसमें डाल दी और आंसर आ गया आपका माइनस फाइव, इसमें आ जाएगा आपका फोर्टीन माइनस फाइव नाइन और ये हो जाएगा माइनस एलेवन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। जैसे कोई अगर आपको प्रोटोकॉल दिया है, ये प्रोटोकॉल दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस और ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू आपने निकाल ली, तो ये आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमने बेसिकली किया क्या है। ये बहुत बेसिक बात है और बहुत आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है इसमें, एक्स की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और इससे ज़्यादा कुछ काम नया नहीं करना। अब फोर्थ भी ऑलमोस्ट सेम है, तो पहले हम फोर्थ ले लें, फिर उसके बाद मैं आपसे थर्ड पे सेकंड पे डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि सेकंड के लिए थोड़ा हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो इसमें मैंने जैसे आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं कि एफ़ लिखा हो, इसमें लिखा हुआ है टी सी, टी सी, टी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, सी सेल्सियस का, टी सी की वैल्यू, टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ सेल्सियस और वैल्यू दे रखी आपको नाइन सी अपॉन फाइव प्लस 32। ये आपको याद नहीं रखना है, अदरवाइज ये एक रिलेशन है लेकिन आप इसमें याद नहीं रखें, और ये आपको डायरेक्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में, और उन्होंने पूछा है कि आप फाइंड करो टी ऑफ ज़ीरो, तो आप बिल्कुल वैसे ही कर दें जैसे इसमें किया आपने। ये आ गया आपका 32 डिग्री सेल्सियस और सेकेंड वाला है टी ऑफ
टी ऑफ 28 निकालना है, तो टी ऑफ 28 निकालना है तो ये रख देंगे 9/5 इंटू 28 प्लस 32। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा टी ऑफ 28 को आपको, तो टी ऑफ 28 के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको 28 को मैं 30-2 समझ लेता हूँ। तो 30-2 से क्या होगा इसका कैलकुलेशन, 30-2, तो आप ऐसे जल्दी से भी कर सकते हैं। ये हो गया 9 इंटू 30, 270, 270 माइनस 18, 270 में से 18 माइनस किया तो ये हो जाएगा 252, और 5 इंटू दिस तो 5 इंटू 30 150, और 5 इंटू 2 10, 150 प्लस 10 160 अपॉन कितना आ गया आपका, ये आ गया। अब जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आप लिख दो, तो ये वैल्यू मेरे ख्याल से आ रही है आपकी 412 अपॉन 5। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बिल्कुल चलेगा, और डिवाइड करना हो तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, ये आप पर निर्भर करेगा। और अगला केस है टी ऑफ माइनस 10 निकालना, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि टी ऑफ माइनस 10 वैसे आप ही निकाल लोगे, लेकिन बहुत सिंपल बात है लिख ही देता हूँ मैं, 9/5 इंटू माइनस 10, ब्रैकेट लगा के लिखना चाहिए माइनस, जब माइनस आ जाए तो ब्रैकेट लगा दो, तो हो जाएगा 5 × 2 = 10, और ये इससे मल्टीप्लाई माइनस 18 प्लस 32, तो ये आ जाएगा आपका 14। अब आखिरी की जो चीज़ है ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ सी इफ़ टी सी इज़ 212, इसमें पूछ रहा है कि टी सी का वैल्यू, टी ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा व्हेन, सॉरी सी का वैल्यू क्या होगा इफ टी सी, टी ऑफ सी की वैल्यू है 232। तो आप ये वाले फॉर्मूले में रख दें, टी ऑफ सी की जगह क्या रख देंगे, 232 इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। आप 32 को आप इधर भेज दें तो 232 माइनस 32 ये हो गया आपका 9/5 सी, ये आ गया आपका 200, 5 ऊपर भेज देंगे और 9 को नीचे भेज देंगे, तो ये आपकी सी की वैल्यू आ गई, सी इज इक्वल टू आ गया आपका 1000 अपॉन 9, ये आपका आ गया दोस्तों सी का वैल्यू। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं, तो दो क्वेश्चन में जो आपको पहला क्वेश्चन है उसमें डोमेन और रेंज का डिस्कशन है, डोमेन और रेंज बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम डोमेन और रेंज पे डिस्कशन करते हैं ताकि हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सिम कर पाएँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर पाएँ, सॉरी 3rd-4th तो कर लिया हमने, 5th कर पाएँ। बिल्कुल आसान है, आप साथ में रहेंगे, आपने काफ़ी इंटरेस्ट लिया, और जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, वही ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि फंक्शन तक आने का काम भी कोई सरल नहीं है। तो अब मेरी बात आप सुने, अब एक फंक्शन दे दिया मैंने, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, अब हम क्या सीखना चाह रहे हैं दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, आप डोमेन और रेंज सीख रहे हैं, डोमेन और रेंज, फिर मैं आपको, आपने रिलेशन में डोमेन और रेंज सुना होगा, यहाँ भी आप डोमेन और रेंज समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x है, और f एक फंक्शन है। अब फंक्शन में a देना चाहिए कि कहाँ से कहाँ है, a कहाँ है, b कहाँ है, ऐसा देना चाहिए कि भाई a से b में a कौन है b कौन है, तो इसमें नहीं दिया होता है, तो नहीं दिया होता है तो हम दिमाग से उसको रियल नंबर मानते हैं। क्या मानते हैं उसको दोस्तों, आप उसको रियल नंबर ही माने, कि फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ए से बी में है, तो इसका मतलब रियल नंबर है। रियल नंबर आपको मालूम होगा, रियल नंबर को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप थोड़ा इसको बड़ा साइज में लिख देंगे, और अगर आप ऐसा भी नहीं लिखना चाहते तो फिर थोड़ा आपको मोटा करना पड़ेगा, इसको ऐसे डार्क बनाना पड़ेगा, बोल्ड जिसको कहते हैं, बोल्ड। आप बुक में नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा तो समझ में आ जाएगा ये। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू रखना है, सारी रियल वैल्यूज़ रखनी है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच की सब वैल्यूज़ रखना है। तो जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज़ एफ ऑफ 1, तो अभी जैसे हम निकाल रहे थे तो आपने निकाल दिया 1/1 आ गया, 1 आ गया,
एफ ऑफ टू निकालने को कहा मैंने, तो आप 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। एफ ऑफ ज़ीरो निकालने को कह दिया मान लो मैंने कि व्हाट इज़ एफ ऑफ ज़ीरो, तब आप तब प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 1/0 आप कैलकुलेटर से करो, एरर बताएगा, नॉट डिफाइंड बताएगा, इसका मतलब 1/0 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसके डोमेन के अंदर, इसके अंदर केवल कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, इसके अंदर नहीं रख सकते हैं तो ज़ीरो नहीं रख सकते। तो इसलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन दोस्तों ऐसा होगा, डोमेन ऑफ दिस एफ इज इक्वल टू आर माइनस ज़ीरो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो, या फिर आप ऐसा भी लिख दो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो, ज़ीरो आपको फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, ज़ीरो क्योंकि एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू सेट में आएगी, इंटरवल में लिखने के लिए थोड़ा फिर दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो फिर ऐसे लिख दो, ये यूज़ नहीं करना चाहते तो ये देखो ज़ीरो दोनों हट से हटा दिया मैंने, दोनों इंटरवल्स में से ज़ीरो हटा दिया। आप मेरा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का भी वीडियो देखेंगे तो आपको इंटरवल के कंसेप्ट भी समझ में आएंगे, इंटरवल के कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे डिस्कस किए हैं कि इंटरवल क्या क्या होते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार ही देख रहे हैं, क्लास 11 का पहला लेसन देख रहे होंगे, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इंटरवल्स को लेकर, तो मैं आपको इंटरवल्स की मीनिंग लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है आप पहला ही वीडियो देख रहे हों। ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू बी, इसमें एक्स की वैल्यू हो सकती है ए से लेके बी तक कुछ भी हो सकती है, ए से लेके बी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब है ए लेस देन एक्स लेस देन बी, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा लिखा है तब तो इसमें इसका मतलब है ए से तो बड़ी होगी पर बी के इक्वल भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है, और पूरी प्रोसेस में ए बी से छोटा मानिए आप, ए बी से क्या है छोटा, एक्स बिलोंग्स टू ये जो हिस्सा है इसको क्लोज्ड बोलते हैं और इस वाले हिस्से को ओपन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्लोज्ड और इसको बोलते हैं ओपन, और ये जो लिखते हैं हम ये जो सारे नोटेशन से ये है ये है ये है ये है ये इंटरवल्स कहलाते हैं, ये इंटरवल्स, इंटरवल्स भी सेट का ही पार्ट है, पर आपने सेट देखे होंगे कि कर्ली ब्रैकेट में ही वैल्यूज लिखी रहती हैं, तो ये क्लोज्ड है और यहाँ पे ये ओपन है, ये ओपन है ये क्लोज्ड है, ये दोनों में ओपन है, ये ओपन है, इसको बोलेंगे ये क्लोज्ड है और ये सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे ऐसी होगी a लेस और इक्वल टू x लेस देन b, और अगर ऐसा लिखा हो x बिलोंग्स टू सेट के अंदर a कॉमा b, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू x होगा या b इक्वल टू x होगा, बीच की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो ये थे दोस्तों इंटरवल के नोटेशंस। तो इस वाले इंटरवल में, इस वाले में आपको समझ में आया कि रियल लाइन क्या होती है, तो रियल लाइन आप याद रखें क्योंकि अब हमारा रियल लाइन से ही काम है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक होती है प्लस इन्फिनिटी, दोनों में हमने ओपन बनाया, दोनों में ओपन बनाने का कारण है क्योंकि रियल लाइन में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आपको समझ में आया कि उसका डोमेन, अब इसके रेंज की बात नहीं की, तो रेंज की भी बात हम करेंगे लेकिन थोड़ी देर से करते हैं रेंज की बात। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब ये जैसे एक दूसरा फंक्शन है, मान लीजिए ये एक पहला फंक्शन था, ये इसका डोमेन क्या हो गया, डी फॉर डोमेन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आर माइनस ज़ीरो, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, रियल नंबर्स में से एक ज़ीरो माइनस कर दिया, आपको कन्वीनियंट जैसा लगे वैसा। अब अगर आपका फंक्शन ऐसा हो तब क्या होगा इसका डोमेन, तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, और सारे रियल नंबर्स रख देंगे एक्सेप्ट वन, क्योंकि अगर जब वन रखेंगे आप तब क्या हो जाएगा आपके पास, तब आपके पास हो जाएगा इसमें 1/0, और 1/0 ही एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हमको ओवरकम करना है, जिसको हमको हटाना है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हम, तो डोमेन से क्या मतलब निकला, डोमेन का मतलब है कि एक्स की कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, अगर एक्स की वैल्यू नहीं रख सकते तो उसको हटाना है, और जो रख सकते हैं उसको डोमेन कहते हैं,
जो रख सकते हैं उनको डोमेन कहते हैं, जो आता। अब रेंज के बारे में भी हम आएंगे थोड़ी देर से। अब आप मान लीजिए कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, फॉर अ मोमेंट ऐसा लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो फिर एक्स माइनस वन, तो एक्स की कौन सी वैल्यू आ सकती है? तो दोस्तों इसमें एक्स माइनस वन की वही वैल्यू आएंगी जो जीरो और जीरो से बड़ी होंगी, क्योंकि अगर जीरो से छोटी आ गई, मान लो एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो जीरो से छोटी अगर वैल्यू है तो उसका अंडर रूट नेगेटिव नंबर का क्या होगा? ये इमेजिनरी हो जाएगा ना, आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना। और अगर आपको इमेजिनरी नंबर ज़्यादा समझने हैं, या 11th के आप स्टूडेंट हो, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा वीडियो देखिए, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने इमेजिनरी के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर इसके अंदर नेगेटिव कुछ भी आया तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। आप इसका कैलकुलेटर से चेक कर दें वैल्यू, तो इसका कैलकुलेटर से वैल्यू देखेंगे आप कि इसका वैल्यू आपके पास गलत आएगा, भले ही वो माइनस ही लिखेगा स्क्रीन पे कि इसकी वैल्यू माइनस वन है या प्लस वन है, पर यहाँ पे ई देगा। ई का मतलब है सम एरर इज देयर। तो आप ये समझें कि इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसकी सारी वैल्यू क्या होगी? जीरो और जीरो से बड़ी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर और इक्वल टू वन, तो वन और वन से बड़ी। तो फिर इसका डोमेन इस तरीके का हो जाएगा। इसका डोमेन दोस्तों कैसा हो जाएगा? वन और वन से बड़ी सारी वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। और अगर अगर आप देखें कि यही केस आपका ऐसा हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन हो, तब फिर एक्स की वैल्यू वन भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू वन हो गई तो ये वन अपॉन जीरो हो जाएगा। तो इस केस में एक्स माइनस वन होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो इसका डोमेन क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? वन। तो इसका डोमेन हो जाएगा वन से लेके कहाँ तक हो जाएगा डोमेन? वन से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा इसका डोमेन। तो इसके डोमेन को आप समझ पाए हैं कि इसका डोमेन क्या चीज़ है? इसका डोमेन होगा वन से लेके इन्फिनिटी, ओ सॉरी, ओपन इंटरवल वन टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन लगाइएगा इंटरवल। और मेरा सजेशन है आपको कि लीनियर इनइक्वालिटीज वाला वीडियो एक बार दोस्तों सिंसियरली देख लीजिएगा। अब हमारी बात आती है रेंज पे, कि रेंज क्या है? तो व्हाट इज रेंज? तो जो डोमेन रखने के बाद दोस्तों आउटकम जो आता है दैट इज कॉल्ड रेंज। जैसे मान लीजिए आपका है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप डोमेन क्या हो सकता है इसका? डोमेन तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ भी रख दो, पर मिलेगा क्या? जो मिलेगा, तो आप जानते हो ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या होती है? सबसे छोटी वैल्यू इसकी होती है जीरो, और सबसे बड़ी कितनी होती है? वो तो फिर बढ़ती जाती है। इनफाइनाइट तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ओपन लगा दिया इसमें। इनफाइनाइट तो लिख दिया कि हाँ बहुत बड़ी वैल्यू है, मालूम नहीं कि वैल्यू क्या है। तो ये इसका डोमेन और ये इसका रेंज हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन है, अब आपकी थोड़ा सा बुक की तरफ नज़र करते हैं और एक ऐसे सीक्वेंस में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपको मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट। टू का सेकंड पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आप वेट करना मेरे साथ, मैं आपको वो सिखाऊंगा, पर मैं ऐसे सीक्वेंस में सिखाऊंगा जिससे आपको कंफर्टेबल लगे। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? माइनस मॉड एक्स है। क्या रख सकते हैं आप सोच के देखो, तो डोमेन में क्या रख सकते हो? ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है, सारी वैल्यूज रख सकते हैं, सारी रियल नंबर। पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? उसको रेंज कहते हैं। रेंज का एब्रीविएशन क्या है? ये रेंज, रेंज, रेंज ऑफ एफ। ये क्या चीज़ है? ये आर ऑफ एफ जो लिखा है ना मैंने, ये रेंज ऑफ एफ है, ये रेंज ऑफ एफ है। मिलेगा क्या आपको? तो मिलेगा क्या आपको? तो आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये क्या कर देगा? पॉजिटिव। पर ये माइनस क्या कर देगा उसको? नेगेटिव। तो आपको वैल्यू कहाँ से मिलेगी? माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक मिलेगी? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक मिलेगी? माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक मिलेगी। तो एक एग्ज़ाम्पल भी था और आपकी बुक का एक क्वेश्चन भी था, जिससे हमने समझा कि बेसिकली रेंज क्या बला है, रेंज क्या चीज़ है। अब आपको मैं सेकेंड का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर मेरे दोस्तों
आप फिफ्थ के पहले तीन पार्ट अगर अच्छे से समझ लेंगे तो सेकंड का सेकंड भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं कहीं ऑर्डर का जो है ध्यान कम रखा है उन्होंने, फिफ्थ का फर्स्ट है। इसमें आपको रेंज ही फाइंड करना है, सारे केसेस में आपको रेंज फाइंड करना है, रेंज ऑफ एफ, ये आपका क्वेश्चन है, डोमेन नहीं फाइंड करना। तो डोमेन के बारे में आप सोचिएगा भी मत। अब आपको पहला जो केस दिया है उन्होंने, पहला केस दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस थ्री एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। उन्होंने देखो मोटा बनाया है, आप देखिएगा उसको बोल्ड किया हुआ है अगर आप बुक देखेंगे तो, और एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो उन्होंने क्या कंडीशन दी है, आर तो बहुत बड़ा होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पर हमको उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है, हमको इस कंडीशन को ही दोस्तों फॉलो करना है। क्या कंडीशन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो माइनस थ्री एक्स क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। वन ग्रेटर देन क्या है, जीरो। अगर माइनस थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, और ये तो जीरो ही होगा, पर ये माइनस थ्री क्या होता है, जीरो से छोटा होता है, तो निशान जो है वो उल्टा हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से। दोनों साइड टू ऐड कर देते हैं तो टू माइनस थ्री एक्स, इधर भी आप टू ऐड कर दो, टू ऐड करना है, पर इसको तो सब्ट्रैक्ट ही रखेंगे ना, ये तो वही साइन रहेगा जो है। तो ये क्या हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, देखो ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, दिस इज एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है, लेस देन टू। तो इसका रेंज इस कंडीशन पे, किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे रेंज आया आपको पास माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक, इसका रेंज है माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक। अब दूसरा क्वेश्चन है, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है, बिल्कुल आप साथ साथ रहें, सेकंड का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ का सेकंड देख रहे हैं, ये आपकी बुक है एक्सरसाइज 2.3 है। तो फिफ्थ का जो सेकंड क्वेश्चन है, फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है, वो बेसिक आपके अगर अच्छे हो गए तो फिर आप विनर हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, और एक्स इज अ रियल नंबर, तो एक्स बिलोंग्स टू आर लिख देंगे तो कोई बुराई नहीं, एक्स इज अ रियल नंबर ही है। इसका रेंज क्या होगा, तो आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, सबसे छोटी वैल्यू एक्स स्क्वायर की क्या होती है, जीरो, और जीरो से बड़ी। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू चाहिए आपको, तो आपको दोनों साइड क्या ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या बन गया दोस्तों, एफ ऑफ एक्स। तो आपके फंक्शन का रेंज कितना हो गया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल टू, क्लोज क्यों, क्योंकि दो इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा आपको मालूम ही है कि ओपन आएगा। फिफ्थ का जो थर्ड पार्ट है, चलो उसको भी देख लेते हैं। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या दिया है आपको, एक्स दिया है रियल नंबर, मतलब वही एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आप देखें कि जो रखेंगे वही मिलेगा आपको, आप अगर पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव रखोगे नेगेटिव, जीरो रखोगे जीरो। तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर्स। अब हम सेकंड के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा सवाल सेकंड का सेकंड है। तो सेकंड के सेकंड में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का सेकेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या होना, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर आपका जीरो और जीरो से बड़ा होना, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इस चैप्टर को लीनियर इनइक्वालिटीज वाला जो मेरा वो है उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पर अगर आप लॉजिकली देखें तो 9 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 9। तो x की वो कौन सी वैल्यूज होंगी जो 9, जिनका स्क्वायर 9 के बराबर होगा, तो दो वैल्यूज है वो 3 और माइनस 3। तो 4 ले लेंगे तो क्या, 4 स्क्वायर तो इससे बड़ा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3.1 ले लेंगे तो उसका भी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की लेना है, आपको लेना है माइनस थ्री से लेके थ्री तक।
तो ये आपका क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। और अगर आप इसको मेरी लीनियर इनक्वालिटीज़ की मेथड से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको पहले उसको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लीनियर इनक्वालिटीज़ का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो लीनियर इनक्वालिटीज़ का जो आप मेरा वीडियो देखेंगे तो और आपको क्लियर होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हम ये करते हैं कि 9 - x² इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बना देते हैं 3 - x, फिर इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ लेते हैं, इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू 3 आती है, इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो -3 आती है, ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। फिर यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है। वैसे तो आप लॉजिकली भी निकाल सकते हो और नहीं तो इससे भी निकाल दें। तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस 3 के बीच की कोई वैल्यू, -4 ली, -4 यहाँ पर रखेंगे x की जगह, तो x की जगह मैं यहाँ -4 रखता हूँ, देखो यहाँ रखता हूँ मैं 3 - -4, और यहाँ पे आ जाएगा 3 + -4, ये देखो ये हो जाएगा -+ 7, 7 - -1 नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अब अगर आप इसके बीच की वैल्यू 0 लो तो ये आ जाएगा 3 - 0, 3 + 0, 3 × 3 = 9 पॉजिटिव, और इससे बड़ी वैल्यू लेंगे 4, तो फिर आपके पास यहाँ आ जाएगा 3 - 4 - 1, 3 + 4 = 7, -1 × 7 नेगेटिव। पर हमारा इंटरेस्ट किस में, हमारा इंटरेस्ट ग्रेटर और इक्वल टू 0 इस वाले पार्ट में। तो ये इसका डोमेन हो गया। अब इसकी रेंज की बात है दोस्तों, कि इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज जो इसका होगा वो आप समझें कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा ये समझने के लिए आप देखो कि ये लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट कोशिश करता हूँ। तो इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी ये वैल्यू इसकी 9 हो सकती है, जब ये सबसे छोटा होगा x², क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस जितना कम होगा उतना ही ये इफ़ेक्टिवली बढ़ेगा। और एक बात और याद रखना है आप, ये इसकी वैल्यू प्लस होगी, क्योंकि फंक्शन में आपको, अगर मान लो आपके पास ऐसा लिखा है f(x = x²) लिखा है मान लीजिए, या √x लिखा है, और आपने ऐसा लिख दिया f(4), तो f(4) क्या होगा आपका, √4, तो √4 की वैल्यू केवल +2 होगी। आपने अगर ये लिख दिया +2 - 2 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से 4 की दो वैल्यूज़ मिल जाएगी, एक 2 भी मिल जाएगी और एक -2, और डेफिनेशन फंक्शन की क्या कहती है, 1 से 2 ब्रांच नहीं निकलना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए कन्वेंशनली अगर अंडर रूट लिखा है तो इसका मतलब ये +x है, आप अपने दिमाग में बिठा ले। तो इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जब ये सबसे छोटी होगी, और x² की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो जब ये 0 होगी तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 3 हो जाएगी, ये सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और सबसे छोटी कब होगी, जब इसकी सबसे बड़ी होगी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी यहीं से हो सकती है। देखें, x की ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते कि आप x की वैल्यू 10,000 ले ली आपने, x 10,000 नहीं हो सकता है कि x की 10,000 वैल्यू ले ली, नहीं, आपको यही वैल्यू लेना पड़ेगी -3 से लेके 3 तक। तो x की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 3 है, तो जब आप सबसे बड़ी लोगे तो ये सबसे छोटा हो जाएगा पूरा, तो जब 3 रखेंगे तो ये 3² हो जाएगा, 9 - 9 क्या हो जाएगा, 3² = 9, 9 - 9 = 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा इस केस में, ये आपका दोस्तों बनेगा रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ निकालने की, फंक्शन का रेंज निकालने की हमारे पास और भी टेक्निक हैं, स्पेशल टेक्निक्स हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे तब करेंगे। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो और कुछ समझना चाहते हो, क्योंकि ये जितना बेसिक है मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपके बारे में को आपको और जानने की इच्छा होगी तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख देंगे। मैं आपका दोस्त हूँ डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, और मेरा मेल आईडी भी बिल्कुल सिंपल है dr.rakeshkumartripathi@gmail.com, और मैं PhD इन मैथमेटिक्स ही हूँ, मैथमेटिक्स में ही डॉक्टरेट है मेरे पास। तो चैनल लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक बात पहुंचा दें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।